पीछे। ये क्या कर रहे हो? क्या छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? मैंने पूजा के लिए बोला था, नहीं मारना मुझे। ढंग से इज्जत से बुढ़ापा है ना, ऐसा मारो। नहीं लगा हाथ, अरे लगा ना हाथ, लगा मार, चला मार, क्यों ना मारू, तुम टच करो लड़कियों को, मारू भी नहीं है, रोके किसको दिखा रहा है? अरे ले जा। नमस्ते बाबा। नमस्ते। हाँ बोल, क्या हुआ है? वो मम्मी को बोल रहे थे ना आपके घर आके पूजा करूंगा। हाँ क्या अब क्या कुछ फर्क है? अभी तो कोई फर्क नहीं लगा। नहीं ये तो हो नहीं सकता। नहीं आपने बोला था ना कि पूजा पाठ करूंगा बाहर। आप पूजा पाठ के लिए बोल रहे थे ना, मैं ये बोल रही, पूजा पाठ के लिए बोल रहे थे ना आप। वो तो ठीक है, अब इसको ठीक कर ली। नहीं वो मैं ठीक कर लूंगी, आप पूजा करने को बोल रहे थे ना। हाँ पूजा कर, और आया किस लिए हूँ? हाँ तो इसीलिए तो आया हूँ मैं। तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना अभी है? आपको बहुत मानती है वो। हाँ तो फिर उनको ठीक करो ना, जब आपको इतना मानती है। तुझे भी तो वैसे करना पड़ेगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो क्या करना पड़ेगा बताओ? इधर बैठ, इधर बैठी तो हूँ, इधर इधर तो आ। हाँ ये लो, आगे हो थोड़ा, यहाँ हो, ऐसे हो रही जैसे मैं तेरे खा जाऊंगा। हाँ है? खा रहा हूँ क्या तेरे को? फिर बोलो और क्या। हाथ क्यों लगा रहे, बता दो ना, या ऐसे ही बताओ क्या करना है। ऐसे ही तो बता रहा हूँ और क्या करना है। हाथ मत लगा के ये बत, आप हाथ छुओ मत मेरे को, आप ये बताओ कि क्या करना है। पूजा पाठ के लिए बुलाया है तो अरे करने तो दे, हाँ तो ये बताओ ना कि पूजा में क्या करना है। खा रहा हूँ तेरे को, देख अभी मैं तेरी मम्मी के लिए पूजा पाठ करके आया हूँ, हैं? और उसमें जैसे जैसे मैं कहूँगा करना पड़ेगा तेरे को। मम्मी तेरी करती थी, इधर हो। हाँ और अब पीछे पीछे जा रही है, हैं? ठीक करना है मम्मी को, नहीं करना? हाँ ऐसा मम्मी करवाती थी क्या? ओ सब जो काम इसमें जरूरी है वो करना पड़ता है, हैं? तू ऐसे घबरा रही है जैसे मैं तेरे को उठा के ले जा रहा हूँ, हैं? नहीं फिर बताओ क्या करना है। अब जाएगी ना मम्मी को थोड़ा सा ऐसे ही करी, पीछे कर बात, बाल पीछे कर। हाँ ये अच्छे सोने लग रहे हैं ऐसे पीछे कर, है? और इधर इधर तो ये ऐसे कौन सी पूजा होती है आप इधर इधर कर रहे हो, बताओ ना क्या करना है। पूजा का जो ढंग है वैसे ही होगी ना, तो ऐसे कैसे पूजा होती है? क्या कर रहे हो आप ये, ऐसे पूजा होती है क्या? ऐसी होती है पूजा, इधर ये राजा गोदी आज आज ये कौन सी पूजा है? ये क्या कर रहे हो? नहीं मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही, आप तो पूजा करने के लिए बुलाया था ना। तेरी मम्मी को ठीक हो रहा नहीं होना, तो इस तरह से कैसे होती है पूजा? इधर इधर दे। तो ये पूजा कर रहे हो? ये बहुत
बाबा क्या रहे हो? इधर आओ तुम, इधर आओ। अरे तुम आओ कौन? बताएंगे पहले ये करके आ रहे हो तुम, कौन सी पूजा कर रहे हो? अरे उसकी मम्मी को ठीक कर रहा हूँ। मम्मी को ठीक कर रहा हूँ? मम्मी को कैसे ठीक करते? ऐसे करते लिटा कर। ये बहुत देर से बता। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, पीछे से खड़े, बहुत होगा तुम्हारा ड्रामा। खड़े हो। अरे कौन हो? बताएंगे, खड़े तो हो जाओ पहले, बताएंगे, बताएंगे, खड़े हो जाओ। कौन? पीछे से खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, खड़े हो जाओ। बताओ कौन सी पूजा चल रही थी यहाँ पर? अंकल जी कौन सी पूजा कर रहे थे? ये ऐसे ही मेरी मम्मी को फंसा रखा था। मम्मी को फंसा रखा है? इसने मम्मी को भी फंसा रखा है। गोद में लेकर बालों को खोल के है। बोलो। उल्टी सीधी जगह हाथ भी लगाते थे। मैं बोलती थी मम्मी से इनका असली रूप इसलिए दिखाने के लिए मैंने आपसे बोला था। आज तो आपसे देख लिया। बोलो। जो पूजा का तरीका वही होगा ना? आपको पूजा का तरीका अच्छा आता है क्या? और ऐसे होती पूजा? जैसे जैसे पूजा होती है वैसे ही होगी। इज्जत से बता दो, ये ऐसी हरकतें क्यों करते हो आप? अरे वो आपकी बेटी जैसी है, पता है आपको? 3 साल से इनकी बहुत गंदी निगाह है मेरे पास। मम्मी भी कहती थी बेचारी की माँ बीमार है, तुम अंकल जी उसकी बेवफा फायदा उठा रहे हैं। शर्म आ रही है आपको? बाबा के नाम पे कलम को आप तो? अरे यार ऐसे ही तुम बोले जा रहे हो। ये डंडा देख रहे हो? ये डंडा आपका ही ना डंडा, इसी डंडा से मैं ऐसे सूतूंगा ना आपको, याद रखोगे? नहीं ऐसे बोले जा रहे हो भैया। क्यों ना बोले? क्या भैया अपना रास्ता ना? क्या हो? ढंग से इज्जत से, ढंग से इज्जत से। ये तो ऐसा बुढ़ापा है ना, ऐसा मारो हड्डियां भी जुड़ेंगी तेरी। सच बोल दे। मैं इसका भाई हूँ। और बता, इसका भाई हूँ बता। इसने मुझे सारी दिक्कत बताई। ये अभी से नहीं, कई बार इसको तुम अकेले बुलाने की कोशिश करी है। क्यों करी है? और जगह जगह हाथ भी लगाते हैं। लगा हाथ, अरे लगा ना हाथ, लगा मार 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 क्यों ना मारू? तुम टच करो लड़कियों को, मारू भी नहीं, मारू भी नहीं, मारू भी नहीं। रोके किसको दिखा रहा है? तुझे तो पुलिस में दूंगा, पुलिस में। इज्जत से उधर ऐसा क्यों किया तूने, ये बता। एक चीज बता, वो लड़की अकेले उसके घर में कोई है, उसका फायदा उठाएगा तू? शर्म आ रही किसी घर में अकेले आते हुए? व्हाइट दाढ़ी, व्हाइट बाल होने के बाद भी शर्म नहीं आ रही? और मैंने बताया भी तो मेरा यकीन नहीं किया किसी ने कि वो बूढ़ा आदमी ऐसा नहीं कर सकता। और अंकल एक काम बताओ, वो देखो साइड में इधर भाई कैमरा वाला सामने आ रहा। बंद तो नहीं होगा कैमरा? भाई क्या बंद करा? जो तूने करतूत करी है ना, तेरे आश्रम में जितनी भी लड़की, जितनी भी लड़की सब जाएंगी। बंद नहीं होगा, पहले पूरी करतूत पर पूरी फिल्म बनी है तेरी। अकेले में भी बुलाता क्या था? तुम जाओगी? तुम स्पेशली दे रखा है इसकी मम्मी ने, तुम उसका गलत फायदा उठा रहे हो। गहरा था पूजा होगी। गलत बात है, मारने का मन कर रहा है। बंद 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 कर। पुलिस में जाऊं अंकल? अब तो बंद ही होगा, अब तो आप ही बंद होगे। वो तो बंद हो ही होगा, आप पहले बंद होगे, वो तो चलन दो से। इधर देखो, इधर इधर ऐसा क्यों करते हो ये बताओ? क्या मिल रहा है आपको? इतनी हवाली हवस बड़ी बड़ी अंदर है, शर्म आ रही है? बेटी जैसी आपकी वो। और पूजा करने गंदे पड़ेंगे ना, लेटा कर सब पता लगेगा, सारी निकल जाएगी जो इज्जत कर रहे हैं। मार बुलाएंगे तुम्हें और क्या।